किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह के मैं उठी थी 2:30 बजे, बेरा ना क्यों मेरी आँख खुल गई, बहुत दिना के बाद खुली है, पर चलो बढ़िया ही है क्योंकि आज धोने थे कपड़े की मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे तब मैंने मशीन लगा दी है, पानी आ रहा था इस मैनू अके ठाणा ना पड़ा था इस मारे इबको सा ना उठा है, आवाज़ सुन लेगा तो उठ भी जाएगा। लगाई है मैंने मशीन 4 बजे, उठी रही मगा फिर कद आवाज़ सुन कर ना सारे मन लाग जाएंगे कह क्यों आंडा बाजी क्यों आंडा सो मार जाएंगे जड़ा तय इस मारे। फिर मैंने लगाई है 4 बजे मशीन। और कपड़े दिखेंगे आस्ते वे कपड़े रखे, ये कपड़े रखे इस बखार पर। तो चलो ये मैं मतलब एक चाबी पूरी ओढ़ हो रही है तो सोचू हूँ कि कपड़े निकाल दूँ क्योंकि इसमें डल रहा है गर्म पानी, उसमें तो उड़ा तो नहीं छोड़ू को ना मैं क्योंकि कदे ठंड लाग जाना फिर पहलाए आराम ना होया है, तो इस मारे इसमें तो निकाल दूंगी गर्म में तो अरना तो फिर कोसे ना ठाऊँ। सोमवीर जी दूध लेने जाएंगे हनी कहा था कि मम्मी मैं करवा दूंगा, दुखी मत होइए। तो चलो रितिका रनी तो वे दोनों बाण पाई करवाऊँगे, इसने इसका काम मशीन का मेरा, तो फिर नूह के मेरा काम नहीं मिट जाएगा। गर्म पानी करके पिया था, किचन विचन का कुछ भाई काम होता कोई ना क्योंकि मैं छोड़ कर ना सोया करूँ, तो सारा काम निपटा के सोया करूँ और कुछ फिलहाल तो मैंने कोई काम है को ना। तो चलो एक बार ये कपड़े और निकाल दो, ये भी इसमें तो मशीन में है, इनकी बारी 3 चाबी आ ली इनमें। और पानी मैंने भर दिया है, बिना मोटर आया रहा है पानी तो यो भी भर गया है। और कुत्ती अंधेरा ये अंधेरा है कि सब आसमान हो रहा है ना लाल लाल, और कुत्ती सुनसान है, पड़ोसी वह कोई नहीं उठ रहा, सब सोन लाग रहे हैं कती। ये मोटर चल लेंगी सबकी क्योंकि दिन वो 4:30 बजे वो 4 बजे पानी आया कर मारा तो इस मारे। और गाइस पेड़ पौधे सारे ठीक ठाक, पानी वाणी इनमें डालते रहे हैं 2-4 दिन में, तो ये सारे के सारे। और देखिए फूल है ना कि जिस दिन ताए ना उस दिन तो इतनी मुरझाए नहीं, और इन कम से कम भी 1.5-2 महीना हो गया होगा। नू के नू है, थैंक यू। सारे पेड़ पौधे बिल्कुल खुश है। तो चलो ये कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं, चढ़ के घने हो जाए ना मोटे मोटे इस मारे, तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी आराम करूंगी। किचन मेरा बिल्कुल साफ है, बर्तन सब करके सोई थी, उठा भी दिए थे थोड़े बहुत छोटे थे, तो चाय पानी बनाऊंगी, पहला बूझूंगी किस टाइम उठेंगे जब बनाऊंगी, कदे अड़े मैं उन्हें डिस्टर्ब कर दूँ। सोमवीर जी तो लेने जाएंगे दूध, तभी अपना अलार्म भर रही है, टाइम पे उठूंगी। अलार्म तो पहला ही उठ जाए, तो चलो मैं एक बार चाबी के इसके लत्ते निकाल दूँ, गरम गरम पानी है फिलहाल। तो गाइस सारे कपड़े धुल गए हैं और धोए हैं मन्ने और हनी ने, तो देखो कपड़े का इतना बड़ा पार धो दिया, वे पैंट भी धुए और भी है आरी बत है सुकन लाग रहे हैं, और एक चाबी रह भी रही है। थैंक यू हनी, ये सब इतना सब न दे भगवान है ना लड्डू। अरे ना ये पानी चला गया है ना, एक चाबी कपड़े रह गए बस, पानी चला गया, कोई बात ना पानी मार दो स्टोर दरिया आई में, तो चलते पानी में दूंगे है सारे कपड़े। और मेरा यो ही वो रहा कर चलते पानी में दूजा, मैंने कत्ती करेक्ट 4 बजे मशीन लगा दी थी, या उठ गया यो भी ना तो मैं तो ठाउना थी, नुका मम्मी 15 मिनट पहला ठा दे ना, तो लत्ते और भी बढ़िया मतलब चलते में दूजे, पर टपता मैं पानी है ही पे मगर कोई बात नहीं, एक आधा कसर रहेगी तो टंकी में तो ले लेंगे। तो गाइस सोमवीर जी गए दूध लेने, और आज सिर्फ मन्ना रानी ने धोए हैं लत्ते, इन्हें पापा बेटी सुखाऊंगे सारे कपड़े ने इतने सारे ने कि सुखाऊंगे के करेंगे, मैं और रानी तो लौटेंगे, मैं तो कती पक्का लौटूंगी क्योंकि बस
और नहीं हो मेरे पे मेरे भी हाथ और हनी के भी कती हाथ कती पानी में ठर गए। इसमें तो फिर भी नहीं हुआ कि निचोड़ नाली में मशीन में तो फिर भी मैं नहीं हुआ कि गर्म पानी गाल लूँ। चलता पानी है नहीं, अगर जो उसे मैं दो ना तो कती बर्फ जम रही बेटा आज है ना। वो तो शुक्र है मैं इतनी बखत तो मशीन लगा दूँ और दू जाए कपड़े तो दुखी करने पड़ जाए हमने सब, मेरे कारण सारे दुखी हो रहे हैं। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। गाइस मेरा ब्लॉग चल रहा है और अन्नी की वो मूंगफली वाला टाइम आ रहा है और वो मूंगफली यही ले खड़ा हर किससे तो नहीं देता ये खंड जाएंगी। रितिका मांगन लाग रही है लोटी लोटी। रितिका दे दी प्रसाद दिया चार दाने हमें भी दो। वो उड़ा अपना ये ब्लॉग चल रहा है और रिमोट की तो गया लाम नीचे तो पाड़ लेंगे। भाई सोमवीर जी ने काम मिल गया क्योंकि कालिया मिक्सी भी रहना क्यों गड़बड़ कर रही थी बंद हो थी कालिया थोड़ी थोड़ी पर एट ए टाइम नहीं मैंने सोची नीचे तो हिला दी तो वह ठीक होगी मैंने चालती बंद करी थी सच्ची में चटनी बनाई सन होगी ठीक ही। और गाइज मैं लेट रही हूँ और रितिका बनाने लाग रही है खाना। खाने में बनाऊंगी आज वह दाल चावल तो वह खाना बनाने लाग रही है और मैं लेटा रखी हूँ लेट रही हूँ। दूध दाध भी ऑन लाग रहा है और दूध ही ना हो जा था फिर मैंने कपड़े धोए पीछे फिर ना उठी हूँ मैं चाय वाई अड़े ली थी मैंने ये मैंने इसका काम कराया है इसके सिलाई मारी है यो है ना गड़बड़ हो जाए इसमें यो गणा चीखना हो है ना। तो देखो इस तरह मैंने इसके ये कूने सीन दिए तीन तो सिम गए ये मेरे तो उठता को ना तो वे उसका मशीन का काम करने लगे और यो बीच में तभी सील दिया अड़े तो इसके और यो कूना भी सीन दिया इसके पीछे के कूने रह गए यो ना नुनुन्ना हो जाए है टेढ़ा हो जाए इसमें कंबल में तो इस मारे इसके कूने सिमेंगे सारे। तो कुछ ना कुछ काम तो मैं भी करे जाऊँ। चलो खाना खाऊंगे रितिका बनाओगी आज तो मेरा ही वह फुल रेस्ट है। तो गाइस सोमवीर जी खाएंगे बाजरे की रोटी चावल भी बन गए हैं बन गए ना चावल बन गए हैं और दाल भी बन गई है तो एक फन रह रहा बस इसमें आना और दूध भी ताते हो गए हैं दोनों। तो चलो सोमवीर जी के लिए बनाऊ सोमवीर जी दाल चावल ना खाना तब बाजरे की रोटी खाएंगे तब मैं उठ आई हूँ रेस्ट करके। तो गाइस बाजरे की रोटी खा लो इतने मस्त मस्त बना तू भी खा ले रही थी कद दी जाने पापा दी दिया इनमें थोड़ी नाच ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं वहाँ दूसरी गैस भी लगा बाल लूँ और या चावल खाओगी चावल चावल और बाजरे की रोटी करारी करारी खा लो कती करकड़ी करकड़ी सी अपनी यार उनकी बनाऊंगी तभी खान लाग रही है ये दो तीन और रह गई हैं सेकनी और इसका थोड़ा ही चून लग गया करूँ भी एक बार मैं इतना है कि भाई एक आदमी छिक जाए इसका बे कभी ना डर सकते हम चून। तो चलो बना लूँ मैं ये। तो गाइस रोटी बन गई है जिसने खानी हो आ जाओ अन्य बोले मैं तो दाल की गल खा लूँगा बाजरे की रोटी पो दे आज तो बाजरे का चून तो पिसा था तो दरिया था तो मैंने बना बच्चे खाएंगे चावल तो इसमें हो गया घी खत्म तो घी भी काट के लिया हूँ और अड़े का सारे कुछ ना संगवाया आज मनी पे देखो इतना कुछ ना पाओ क्योंकि बाजरे की रोटी पोन का ही वही मजा है पलोथन वलोथन कुछ भी ना साफ करना पड़े। तो चलो मैं भी खा लूँ घी ले आऊँ काट के। तो गाइज रोटी राटी खा ली थी सारे ने और चाय बना के लेकर आई है रितिका ही सोमवीर जी ड्यूटी पर चले गए थे 4:30 का टाइम हो रहा है उठ लिए हैं एक कपड़े उतारने हैं बहुत सारे कपड़े फैल रहे हैं ऊपर के तवे सारे उतार के लेकर आने हैं धूप निकल रही थी देखो कितने सूखे और कितने ना। तो चलो और मैं सोगी थोड़ी देर।
ही उठी हूँ, रितिका ने चाय बनाई तो चाय पीवेंगी। चाय पी लो गाइस और नमकीन भी गाल दी, तो नमकीन भी खा लो और चाय भी पी लो। तो गाइस कपड़े सारे अड़े के तो सूख रहे हैं ऊपर, और देखा हाँ रुक के मार लते तार जाऊं ऊपर कपड़े उतारू ऊपर, तो चलो ये भी सूख रहे हैं, इन्हें भी उतार लो। तो गाइस कपड़े सारे सूख गए फाइनली, बढ़िया वाले सूख रहे हैं, कोई भी अल्लाह कौन है तो नू था के भाई सूखा कौन है सूखा कौन है, पर आज बढ़िया सुन ली भगवान ने, गाम बढ़िया लिखड़ गया। तो सारे के सारे कपड़े सूख गए हैं और ये रह गए उतारने, फिर नीचे के तेनों हाँ उतार लूँगी और इनकी भी साथ साथ मैं तय भी बना के ले चलूँगी नीचे, याड़े की याड़े तो काम नहीं मट जाएगा फिर मेरा भी, ऊपर नू हाँ के जल्दी सूख जा है, सूख तो नीचे के भी रहे हैं हाथ लगा के देख आई हूँ तो, पर थोड़े बहुत वे दीवार सारा ना जरूर सीले पाओगे वे तो वे फिर सुखाने पड़ेंगे कल जरूर, पट गया के बच गया तार अटक जाता एकदम तो खींच दिया। तो चलो मैं इनकी एक बार तय और बना दूँ अड़े, कपड़े उतार लाई थी कई देर होली और तय भी बना दी सारे की, और फिर थोड़ी देर बैठ गए जब तक कॉफ़ी पी थी, ये पी है थोड़ी सी चाय एक एक कप। तो चलो एक बार ये मैं दो तीन सामान धरे हैं उन डिब्बे मंगालने हैं, तो डिब्बे पूछ दिए हैं किचन का काम, और किचन में खाना रितिकाए बनाओगी, बर्तन पड़े हैं चाय के और यो दूध भी धरना है वह फ्रीज में, एक तो मैंने धर दिया पर यो मेरे तना धरा था उसमें दही धरी है, और चावल भी हनी ने ना खाया था खाना तो चावल भी बच रही है दाल भी, तो उन्होंने कहा था मम्मी मैं ये खा लूँगा और मेरा काम हो रहा है फिलहाल। तो देखो मैंने ये तय बना बना कर धर दिए सबके, रितिका धरेगी न पर ये बना धरते कल धरेंगे और थोड़ी सी हवा निकले जाएगी, और ये सूखे नहीं थे कपड़े तो ये मैंने फैला दिए हाड़ लियाकर है, और ये सूख रहे थे इनकी भी तय बना दी है, तो प्रेस के तो इनकी बार कम में लिख रही है प्रेस के तो ये हैं सारे, पर ये सारे आले हैं तो मैंने ये बुरसट बुरसट सुखा दी हैं, एक आधी सुबह इन न फिर धूप निकलेगी ना तो ऊपर गेर काऊंगी फिर, और कंबल तो मेरा याड़ा रवा ही रवेगा क्योंकि मैं लेट रही थी इब्बा उठ के गई हूँ खा लेना। रितिका ती अंगूर दिए थे दो के, पर यह कुछ भी फल खा कर आज ने क्या पसंद रही थी इतना फल में कुछ भी ना, कौन सा फल वो है तू ले आई है पैसे दे दूंगी कल है पैसा भी ना, तो सामान कल कनू कनू धरा है मैं लौट गई सच्ची बताऊँ, आज मैं पूरा दिन लौटी रही फिर कपड़े दबाए थे ना ना तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाए, या नमकीन गालूंगी ये टॉफी गालूंगी ये दो डिब्बे दो ले आई हूँ, बिस्कुटा ने तो इनमें धरी रहन दूंगी पर याड़े तो ठाक धरूंगी, तो चलो पहला इनमें डाल दूँ इसमें बेरा नहीं सारा होगा के होगा बच्चे का फिर बच्चा ना मना बहुत मुंडा लग फिर थोड़ी सी चीज, चलो ही नहीं ला कर गाल कर देखूँ थोड़ी सी बच तो गई, मैंने ये डाल दी इसमें इसमें तो ये टॉफी डाल दी मैंने मैंगो की भी और ऑरेंज की भी, और यह भी डाल दी नमकीन, इसका ढक्कन खींच गया आ गई या मन नू हिला 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 सारी है रही थी आ गई आ भी इसमें, चलो कूड़े काड़ी में डाल दी नहीं आ रही भी इसमें है ना, एक दिन मैंने के करया रीति इसमें भी ये मूंगफली के बक्कल धरी है इसमें मूंगफली है, एक दिन मैं मूंगफली बगा दी और ये गराई रह गई, और ये नींबू जब मूंगफली कड़े गई मगा मन तो बगा दी, मैं नहीं सोची बक्कल धरी देख नू दर्दे हैं जो करते ये है ना पैकिंग में बहुत अच्छी तरह जो करते हमारा इतनी मूंगफली है दो जंगा भरे धरी है जाती ने नू नहीं ने अगेर दे बकला ने नू कह गई मुंह पड़ी है मुंह पड़ी थोड़ी है बकल गनी है इवन नगर वाद ये खाकर, और ये सेब और ये कोई सा भी मुंह नहीं लगाओ बाण भाई कोई सा भी बेरा ना किसी आदत है, मैंने वह नमकीन का था ना वो तो मैंने घेर दिया कूड़े के डिब्बे में, और ये इसमें थैली सी हो ना ये सारी मैंने इकट्ठी कर रखी इसमें, नु सोचोगे इसमें क्या भर रखा इसमें गत्ते थैली
जो करते ये पार्टी फूटी वही सूटा की बदलनी पड़े हैं, लेकर जाओ जो पार्ट जा हुए तो इन मैं चेंज कर दू हूँ। तो ये मैंने सारी इसमें थैली दे रखी है आग बालन थी, मेरी नन्ना ही थैली जला दी सारी पिछली बार, तब मैं इसकी बार कूड़े में कम गेरू हूँ अपनी इसमें इकट्ठा कर दू हूँ, तो इसमें वो हो जाएगी। हन्नी भी आ गया है गलवा लिया, यो इसमें वो तार गलवा के लिया है जो कल ले आए थे। इसमें एक पैकेट में एक का है तार, एक पैकेट में एक का लाग रहा पापा तनु कह दी, अब एक बल्ले में दो लग गए पापा खा ले अच्छे सारे पैकेट, अरे एक पैकेट ते चढ़ जाए एक बल्ले में पर कोई ना फिर ये डबल तारा का होया करा कि एक का तार का हो, सिंगल लगाया होया करा, दरवाजा बंद करे आज पापा देखिए तो डबल भी गल है हनी, पहला डबल गल करते और यही बाल लग गई पैकेट में मारे तो नू लपेट के दे दिया करते, पहला जब मारे जमाना था भाई जब ते नए डालते दे रखे हैं की बार तो ये। तो चलिए गाइस मिलते हैं, और मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है तो ये रोटी रोटी बनानी रहेगी बस, काम तो सारा हो गया, काम के हो गया और इधर 8:10 हो रहे हैं, टाइम भी हो रहा है के करा लेट खावे हैं दिखा। बढ़िया लगी कोई ना, जब उन्हें धर ले तो काम के हैं, देर टूटा जब फिर गल जाएंगे, देख कितने बढ़िया गलवा लिया है ना, सही गल गए। तो गाइज किचन का काम निमटाया है, दूध सीत सब क्या है का, बस दूध दूध सोमवीर जी देना है, और खाना वाना भी खा लिया है, रितिका ने बनाई थी रोटी और के रह गया, और तो मैंने सिर्फ सोमवीर जी रोटी देनी है पीछे और उन तई दूध दाद देना है, सीत सात का जमाया जमुई का सुबह जमाऊंगी, ईब का तो रखा है दही बह, मैंने सोचू हूँ ताजी ताजी होनी चाहिए, ठंड ज़्यादा हो रही ताजी तो खाई जाऊ सी ना खाई जाती। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।